अब हम भारतीय रेल के वर्जन 2.0 का वीडियो विश्लेषण करेंगे, जिसे देखकर आपके मन में ट्रेन में सफर करने की इच्छाओं का पुनर्जन्म हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने अपने कायाकल्प करने का सफर अब शुरू कर दिया है। रेलवे ने अपने 24 पुराने कोचेज को नया रूप रंग देकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया है। वक्त के साथ रेलवे के सभी कोचेज को नया लुक दिया जाएगा। भोपाल में रेलवे के कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप से बनकर आए 24 कोचेज को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर रखा गया है। भोपाल की वर्कशॉप में इस तरह के कुल 111 डिब्बों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल 24 डिब्बे बनाए गए हैं। नए डिब्बों में एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बे शामिल हैं। इन कोचेज में स्प्रिंग वाली सीटें लगी हैं, जिससे तेज रफ्तार में भी यात्रियों को झटके नहीं महसूस होंगे। हर बर्थ पर पढ़ने के लिए LED लाइट्स लगाई गई हैं। हर कंपार्टमेंट में मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। कोच के फ्लोर को कार्पेट की तरह पेंट किया गया है। इन कोचेज में इंटीरियर डेकोरेशन, चमकते साइन बोर्ड्स, बायो टॉयलेट्स और ऊपर की बर्थ पर चढ़ने के लिए आरामदेह सीढ़ियां बनी हैं। इन कोचेज में सीटों के नए रंग, आधुनिक खिड़कियां, आधुनिक शौचालय के इंतजाम यात्रियों के सफर को सुखद बना देंगे। जी न्यूज ने भारतीय रेल के पुराने कोचेज में नई और मॉडर्न सुविधाओं का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे का भविष्य कितना हाईटेक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको किसी विदेशी ट्रेन के सुहाने सफर पर ले चलने वाले हैं, तो जरा रुकिए और देखिए ये ट्रेन कहाँ की है। ये भारतीय रेलवे में भविष्य के सुविधाजनक सफर की गारंटी देने वाला वीडियो विश्लेषण है। भोपाल के निषादपुरा वर्कशॉप में रेलवे ने 24 पुराने डिब्बों को मॉडल कोचेस में तब्दील कर दिया है, जो सुविधाजनक भी है और आकर्षक भी। इन मॉडर्न कोचेस में अनाउंसमेंट सिस्टम लगा है। अनाउंसमेंट सिस्टम से आने वाले स्टेशनों की जानकारी यात्रियों को दी जाएगी। अगले स्टेशन की जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी लगे हैं। हर बर्थ पर पढ़ने के लिए नए डिजाइन की LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। इससे यात्री अपनी बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर पर फोकस कर सकते हैं। बड़े आकार के पंखे लगे हैं। सभी कोचेज में स्क्रू नहीं दिखेंगे। थर्मो प्लास्टिक शीट्स की फिटिंग इस तरह की गई है कि उनमें स्क्रू नहीं दिखते। ये सर खासकर ये डिजाइन पहली बार उपयोग की? ये डिजाइन पहली बार हुआ। इसमें आप टेबल की तरह इसको यूज हो जाएगा। जी जी। जैसे इसको आप और दूसरी जब इसको आप फ्लैट करते हैं तो पूरी एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती थी, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता था, तो वो सपोर्ट अब मिलेगा आपको। तो बैक में कई लोगों की प्रॉब्लम आती थी कि इसकी वजह से दिक्कत है, तो वो डिफरेंस सेटलमेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल, यानी साइड की सीट में काफ़ी अच्छा बदलाव किया गया है। इसको आप टेबल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद इसको फोल्ड भी कर सकते जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुविधाएं जरूर AC क्लास के डिब्बों में होंगी, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ये स्लीपर क्लास के कोच हैं। AC क्लास में तो सुविधाओं का स्तर और भी ऊंचा है। अब नीचे क्या क्या बदलाव? नीचे हमने एक तो वाइजर कर्टन लगाया है AC 2 में। जी बताएं। इस तरह से स्प्रिंग लोडेड अपने आप चला जाएगा, उसमें अब आपको स्पेस ज्यादा लगेगी। जी जी जी। टेल सेट के पैसेंजर्स को ये फोल्डेबल स्टैक ट्रे दिया हमने। जी जी। यहाँ बैठने के बाद बिल्कुल यहाँ कुछ रख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं। बिल्कुल। ये प्रशांत जी, ये पहली बार इस तरह का? जी हाँ, पहली बार। तो खास तौर पर ये इस तरह का जो सीट में बदलाव किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, जो यात्री सफर करते हैं उनको लैपटॉप रखना है या फिर जैसे कुछ काम करना है लिखने का, तो आप उसके लिए ये खास तौर से डिजाइन की गई। AC क्लास के साथ साथ स्लीपर क्लास के कोचेस को कूल लुक देने के लिए हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। बाकायदा कारपेट बिछाए गए हैं। सीटों के पास डस्टबिन भी है। सीटों को फोल्ड करके उसे टेबल बनाया जा सकता है। जब कुछ खाना पीना हो तो सीट का बीच वाला पिछला भाग पलट दें, तो ये स्नैक्स टेबल बन जाएगा। लोअर बर्थ पर कुछ खाना पीना हो तो बर्थ गंदी नहीं होगी। बर्थ को फोल्ड करो और टेबल तैयार। सेकंड क्लास AC में स्लाइडिंग खिड़कियां हैं और फर्स्ट क्लास AC में तो खिड़कियां खोलना या बंद करना सिर्फ एक उंगली का काम है। फर्स्ट क्लास AC कोच के सामने तो हवाई जहाज का बिजनेस क्लास भी फीका पड़ सकता है।
एलईडी टीवी, डिजाइनर लाइट्स, फोटो फ्रेम्स और फूलों की सजावट देखकर लगता ही नहीं कि यह भारतीय रेल का डिब्बा है। यानी आने वाले वक्त में भारतीय रेल लग्जरी के साथ साथ यात्रियों की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने की गारंटी देगी। सेकेंडली, एसी कोच के पैसेंजर्स के लिए हमने इंडिविजुअल के लिए लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग यूनिट दिया इस बार। अच्छा, अब देखेंगे हर पैसेंजर को है अलग अलग, अक्सर वेट करता रहना पड़ता है को पैसेंजर्स के लिए कि कब वो खाली करें तो हम यूज करें। अभी हर एक को गया जी हाँ, बर्थ रीडिंग लाइट के साथ ही क्लब किया है जी। तो इंडिविजुअल देखिए ऊपर भी है लेटे में जी, इस तरह से हर एक को अपना अपना पर्सनल मिल जाएगा तो तकलीफ नहीं होगी। मॉडर्न लुक देने में टॉयलेट्स का भी खास ध्यान रखा गया है। सभी क्लास में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। टॉयलेट की डिजाइन में काफी बदलाव किया गया है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं फर्स्ट एसी की। और इसमें प्रशांत जी बताइए क्या क्या बदलाव किए गए इसमें। देखिए आप टॉयलेट्स में वॉश बेसिन अंदर देखिए, पियानो टाइप वॉश बेसिन दिया है, उसमें प्लेटफॉर्म है, इसमें आप आराम से सामान वगैरह रख सकते हैं। प्रिस्मेटिक टाइप के वाटर टैप्स दिए हैं, वाटर वेस्टेज ना हो। बड़े बड़े मिरर्स दिए हैं विंडो बंद करके, एलईडी मिरर, एलईडी लाइट्स दी हैं और मिरर लाइट भी एलईडी की है। देन शावर पैनल दिया है, एक इंडियन स्टाइल वाले में शावर पैनल दिया है प्रेशराइज्ड वाला। सेकेंडली आपने डस्टबिन दिया है अंदर, बायो टॉयलेट है इसलिए, और हेल्थ फॉसेट्स भी दिए हैं इसमें। अक्सर यात्री ट्रेनों में खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत करते हैं, लेकिन इन मॉडर्न कोचेस में पेंट्री कार में हर वो सुविधा है जो खाने के साथ साथ आपका मूड भी अच्छा बना सकती है। सिर्फ अंदर ही नहीं, ट्रेन को बाहर से भी एकदम चकाचक बना दिया गया है। कोई बता नहीं सकता कि ये रेलवे के वही पुराने कोच हैं। इसकी बदलाव की कॉस्ट रफली हमारे ऑन एवरेज देखो तो 15 लाख पर कोच के हिसाब से। 15 लाख जनरल क्लास में जी, और एसी क्लास में जनरल में ओवरऑल बता रहा हूँ आपको एवरेज ऑन एवरेज 19-20 डिफरेंस होगा जी। तो आने वाले दिनों में क्या और ट्रेनों में देख सकते हैं इस तरह का बदलाव, इस तरह की डिजाइन? नहीं, हम कोशिश करेंगे, अभी तो दो रेक और आएंगे हमारे जी, और उसके बाद फिर जैसे पब्लिक का रिएक्शन रहेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो सब कंसीडर करके देन वी विल गो अहेड फॉर दिस थिंग। आप इसे भारतीय रेलवे का वर्जन 2.0 भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसे हाईटेक कोचेस में सफर करने का सपना पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब ये सपना पूरा होगा तो आपका दिल बोगी बोगी हो जाएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। अब देखना यह है कि पटरियों पर उतरने के बाद ये नए कोचेस कितने दिन तक इतने ही साफ रह पाते हैं। इसे कहते हैं कायाकल्प। भारतीय रेल के इन 24 कोचेस में आधुनिक सुविधाओं का वीडियो विश्लेषण देखते वक्त आपको ये बिल्कुल नहीं लगा होगा कि पुराने डिब्बों को ही इतने बेहतरीन तरीके से आधुनिक बना दिया गया है। इन आधुनिक कोचेस को पटरियों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इन कोचेस को पहली बार नियमित तौर पर दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जबलपुर तक चलने वाली मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में लगाया जा सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में ट्रेन के सभी मौजूदा डिब्बों को नया लुक दिया जाएगा। कुल मिलाकर 111 कोचेस का पुनर्निर्माण किया जाना है, जिसकी डेडलाइन जून 2016 तय की गई है। यानी रेलवे ने यात्रियों को सुखद और सुविधाजनक यात्रा का अधिकार देने के लिए अपने कायाकल्प की शुभ शुरुआत कर दी है। हालांकि बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भारत के लोग यानी भारत के यात्री इन अत्याधुनिक कोचेस को भी एक ही दिन में गंदा कर देंगे। यहां आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि इस वक्त रेलवे पर कितना दबाव है। भारतीय रेल में रोजाना 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भारत में रेल पटरियों की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत में करीब 7,500 रेलवे स्टेशन हैं। भारतीय ट्रेन्स एक दिन में जितनी दूरी तय करती हैं, वो धरती और चांद के बीच की दूरी का 3.5 गुना है। एक साल में भारतीय रेल में सफर करने वाले लोगों की संख्या 840 करोड़ है, जो दुनिया की आबादी से भी ज्यादा है। जाहिर है भारतीय रेल में इतनी बड़ी संख्या में सफर करने वाले यात्रियों की आदतें भी रेलवे को सुचारू रूप से चलाने में काफी परेशानी पैदा करती हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म्स को गंदा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे यात्रियों की आदतों को सुधारना रेल कोचेस की सुविधाएं सुधारने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम होगा।